हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनून क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा लाखों विद्यार्थी जो असमंजस की स्थिति में हैं, जो यूजीसी गाइडलाइन है उसको लेकर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी गाइडलाइन है उनके बीच में टकरार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर है। मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि जो लाखों विद्यार्थी हैं, करीब 15-20 लाख स्टूडेंट हैं जो अंतिम वर्ष के हैं, जिनको एग्जाम का पता नहीं है कि कब एग्जाम होगी नहीं होगी, तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करूँ से पहले मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर जो है राजस्थान की अगर हम बात करें, तो एक तरफ तो बोर्ड जितनी भी बोर्ड एग्जाम है, जितनी भी बोर्ड एग्जाम हुई हैं, 10th की, 12th की, RBSE बोर्ड ने अपनी एग्जाम्स को करा लिया है और कंप्लीट भी रिजल्ट भी आ चुका है। साथ ही अगर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की और बात की जाए, तो स्टेट ओपन 3 सितंबर से एग्जाम ले रहा है। अब दो शिक्षा हो गई है यहाँ पर, एक तो उच्च शिक्षा और एक यहाँ पर बात की जाए तो कॉलेज की शिक्षा की बात करें यहाँ पर, और एक स्कूली शिक्षा की। तो अगर कॉलेज शिक्षा की बात करें तो एग्जाम को लेकर बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं है, बिल्कुल असमंजस में स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो गई हैं, RBSE बोर्ड की रिजल्ट भी आ गया है। वहीं अगर हम स्टेट ओपन की बात करें तो वो भी शुरू होने वाली हैं, 3 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य में वो एग्जाम होंगी। 3 लाख के समथिंग विद्यार्थी उसमें बैठेंगे। तो अब स्टेट ओपन की एग्जाम हो रही है, RBSE बोर्ड की 10th 12th की एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, वो सारा काम चल रहा है। बट यहाँ पर अगर कॉलेज की बात की जाए, तो नहीं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट किया गया है, UGPG वालों को नहीं, यहाँ पर फाइनल ईयर वालों की एग्जाम हुई है। तो दोनों कन्फ्यूजन में हैं, जो कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं UG और PG कोर्स के सारे कन्फ्यूजन में हैं कि उनका भाई क्या होगा, नहीं तो उनको परमानेंट प्रमोट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें UGC गाइडलाइन की, तो UGC ने साफ कह दिया है, यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साफ बोल दिया है, कोर्ट में भी साफ कह दिया है उन्होंने कि हम डिग्री ऐसे नहीं देंगे, अगर आप एग्जाम दोगे फाइनल ईयर की तो ही हम एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको देंगे। तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए आपको एग्जाम देनी बहुत जरूरी है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना केसेस का जो ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम एग्जाम नहीं देंगे। तो दोनों में टकरार मची हुई है। साथ ही ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं, कंप्लीट हो गई हैं, UGPG की नहीं हो रही हैं यहाँ पर, तो UGPG में कौन कौन सी एग्जाम है, तो जैसे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, BEd के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, साथ ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जितने शिक्षण संस्थान हैं, और UG कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज चलते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि कब भाई उन्हें प्रमोट किया जाएगा। स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए तो बोल दिया है कि भाई आपको तो हम प्रमोट कर देंगे, बट उन्हें इंतजार है कि कब प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनको एक टेम्परेरी परमानेंट की मतलब कि प्रमोट किया है, एक परमानेंट प्रमोट नहीं किया है, और परमानेंट प्रमोट के लिए बोल भी दिया है तो उनको ये बताया नहीं है कि भाई उनको कैसे हम पास करेंगे। कुछ दिनों पहले ही एक गाइडलाइन आई थी, भाई इस आधार पे हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे, उस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए थे, 2-3 वीडियो बनाए थे, उस पर मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को जो प्रमोट है नेक्स्ट ईयर में किस आधार पे करेंगे। अगर बात करें वहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों की कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट सेकेंड ईयर में कैसे करेंगे, तो उनके 10th और 12th में जो परसेंटेज थे, 10th और 12th में जो परसेंटेज थे उसके वेटेज के आधार पर उनको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड ईयर वालों की, तो सेकेंड ईयर के जो इंटरनल एग्जाम में जो मार्क्स आए थे उनके वेटेज के आधार पर उनको फाइनल ईयर में प्रमोट कर देंगे। तो इस बेसिस के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। फाइनल ईयर की एग्जाम को लेकर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्योंकि UGC स्टेट गवर्नमेंट और आपकी जो 31 स्टूडेंट की जो कमेटी थी जिसने विरोध किया था कि भाई एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और इसी बीच में अटकी हुई है आपकी एग्जाम। तो आज शाम तक आपको पता लग ही जाएगा कि आपकी एग्जाम होनी है नहीं होनी है, क्या होगा, ये सब चीज़ का आपको पता लग। और साथ ही पत्र भी लिख दिया है, अगर राजस्थान सरकार की बात की जाए तो राजस्थान सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, साथ ही जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं यहाँ पर सुभाष गर्ग, दोनों ने पत्र लिख दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो UGC के सचिव हैं, उनको पत्र लिख दिया है कि भाई जो एग्जाम है वो नहीं करवाएं, एग्जाम को कैंसिल करें, कोरोना केसेस के कारण एग्जाम को कैंसिल किया जाए, वो अपील कर चुके हैं। बट UGC ने साफ कह दिया है कि हम आपको जो डिग्री है तभी देंगे जब आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी, जब आप एग्जाम दोगे फाइनल ईयर की तो हम आपको डिग्री देंगे, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आगे जाके जो भी बच्चे पास होंगे उनको कोई ये ना बोले कि भाई आप कोरोना में पास हुए विद्यार्थी हो।
बट इन सब झमेलों के कारण फंसे हुए हैं विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थियों को आगे एंट्रेंस भी देना है। जो कोई बीएससी कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज का एंट्रेंस देना होगा। साथ ही कोई ग्रेजुएट होने के बाद अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे जॉब के लिए अप्लाई भी करना होगा, तो क्योंकि नौकरी सबके लिए ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।